अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ हाज़िर हुए। तो रेसिपी क्या है आपके साथ शेयर करें, वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो में क्या है आइए देखें। चिकन विंग्स बनाने जा रहे हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है। तो ये आधा किलो हमने चिकन विंग्स लिए हैं, इसको अच्छी तरह हमने वाश कर लिया है। तो इसका ये तो व्यूअर्स इसमें जो अज्जा शामिल होंगे, तो आधा चम्मच हमने लिया नमक और एक चम्मच हमने लिया है चिकन पाउडर, एक चम्मच मस्टर्ड पाउडर और आधा चम्मच हम लेंगे इसमें कुटी हुई मिर्च जिसे कटर मिर्च कहते हैं, और पपरिका पाउडर यानी कि शिमला मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच हम ये लेंगे, और एक चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच हल्दी। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। वीडियो को आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये व्यूअर्स एक सील के पहले में हम ये चिकन विंग्स जो है ये सारे इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम मसाले। तो ये चिकन पाउडर ये लगा दिया हमने, ठीक है। ये नमक आ गया, ठीक है। ये शिमला मिर्च का पाउडर आ गया और ये मस्टर्ड पाउडर आ गया और ये ज़ीरा और ये कटर मिर्च है, आप चाहें तो पीसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। और आधा चम्मच लेंगे हम हल्दी, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आप चाहें तो खुशक अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा चिली सॉस, ये जो लाजमी जूस है ये आपने स्किप नहीं करना, ये देखना है लाजमी। तो एक चम्मच हम ये इस्तेमाल करेंगे, इसमें एक चम्मच चिली सॉस इसमें लगा दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे विंग्स तैयार होने वाले हैं, तो उम्मीद है ये रेसिपी जो है आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से हम बना रहे हैं ये KFC स्टाइल है जो आपने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखा होगा, लेकिन वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। होम रेसिपी है ये। ये तो व्यूअर्स ये मिक्स हो गया, अब इसको हम आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे, बर्तन को ऊपर देकर इसको ढक देंगे। ये तो व्यूअर्स इसका जो अगला प्रोसेस है, तो हम विंग्स को एक एक को उठा के मैदे के अंदर ऐसे लगा के इसको अलग बर्तन में रखते जाएंगे, ठीक है। वीडियो गौर से देखें, स्किप नहीं करें। एक एक पीस उठा के आपने लगाना, आपने एकदम सारे मैदे में नहीं लगाना, क्योंकि फिर मैदा जो है इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग नहीं होगी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये देख रहे हैं जैसे ये बन रहे हैं, अच्छी तरह से मैदा इसको लग रहा है, ऐसे लगाना है आपने। जी तो व्यूअर्स अब ये आपने विंग्स जो है ना एक एक उठा के आपने 2 से 3 सेकंड के लिए इसको ऐसे डिप करना है, उसके बाद मैदे में लगा के ऐसे इसके क्रम्स बना रहे हैं, और क्रम्स देखें इंशाल्लाह ऐसे बनेंगे। ये देखें क्रम्स, देखें आप कैसे बने, ऐसे ही बनाने हैं आपने क्रम्स, और इस चीज़ को आपने जहन में रखना है।
व्यूअर्स, अब जो एक एक विंग्स है वो हम उठा के इसमें डालेंगे। मीडियम फ्लेम होना चाहिए आपका, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स ये क्रम्स जो है ना, विंग्स जो है हमारे, वो तो काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। ये क्रम्स भी आप देख रहे हो वो बने हुए, देखिए। तो कोशिश यही करें कि इसके क्रम्स जो हैं वो अच्छे बने। जितने अच्छे क्रम्स बनेंगे उतना ही ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से जूसी होगा। इसकी तरीके का साइड चेंज कर रहे थे ताकि जो कमी पेशी है इसकी वो पूरी हो जाए। ये तो माशाल्लाह से देखिए हमारे जो विंग्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए। ये KFC स्टाइल है, ये वो अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखे होंगे, वही चीज़ है बिल्कुल। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं भी सही कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आपके साथ बहुत अच्छी शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, ये जो व्यूअर्स देखिए हमारे विंग्स कैसे प्यारे बने, उसके ऊपर क्रम्स देखें कैसे प्यारे बने, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हैं ये।